हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे कि जो वॉशिंग मशीन रहता है उसमें जो करंट आ रहा है वो क्यों आ रहा है और कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों और जो छोटे दो मिस्टेक है वो भी जान लेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गंगा भारती इलेक्ट्रिकल। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर ये जो बोर्ड बनाया है उन्होंने पावर बोर्ड, तो उसमें कनेक्शन देखिए उल्टा किया हुआ है। ये फर्स्ट मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ करने के बाद में भी करंट आ रहा है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाना भूले। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन का टॉप पिन लगा दिया है। अभी स्विच ऑन करके देखते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए स्विच ऑन कर चुका हूँ मैं अभी। और यहाँ पर देखिए प्लास्टिक साइड से देखते हुए जाएंगे, यहाँ पर जो आगे वाला कवर है उसमें देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल आ रहा है। जो टेस्टर है उसका इंडिकेटर ग्लो कर रहा है अभी। आपको ये देखिए उसका कितना होल्ट दे रहा है, करंट आ रहा है वो भी जान लेंगे इस टेस्टर से। सीधा मेटल बॉक्स मेटल में लगाएंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे मेटल पे लगा रहा हूँ मैं अभी। देखिए यहाँ पर 110 तक होल्ट आ रहा है, 55 होल्ट तक आ रहा है और इंडिकेटर भी ग्लो कर रहा है अच्छे से। देखिए 55 होल्ट तक आ रहा है। चलो इसका क्या प्रॉब्लम है वो देख लेंगे। इसका मास्टर जो बोर्ड है उसको निकाल के खोल के देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो पहला वाला मिस्टेक है वो ये देखिए, यहाँ पर जो कि स्विच में जो उल्टा कनेक्शन है उसको चेंज करेंगे, बाद में अपने को भी दिक्कत ना हो काम करने के लिए। इस तरह से इस बोर्ड को खोल लेते हैं। जो न्यूट्रल की जगह पर फेस आ रहा है। चलो दोस्तों इसका देखिए, स्विच ऑन करो ऑफ करो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी करंट आ रहा है। चलो इसको खोलने के बाद देखिए, ये जो सॉकेट है उसमें जो न्यूट्रल की जगह है वहाँ पर फेस दिया है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर फेस और यहाँ पर न्यूट्रल लेके आता हूँ। और दूसरा मिस्टेक देखिए दोस्तों, जो मिस्टेक है यहाँ पर रनिंग अर्थिंग नहीं है। इतना बड़ा वॉशिंग मशीन है, गीला रहता है तो यहाँ पर रनिंग अर्थिंग नहीं है, इसे अभी रनिंग अर्थिंग देते थे। तो जो रनिंग अर्थिंग देना है वो सॉकेट के बीच वाले पॉइंट में देना है, जहाँ पर अर्थ लिखा हुआ रहता है। इस तरह से इसका कनेक्शन हो चुका है। अभी बोर्ड को फिटिंग कर देता हूँ। देखिए ये रनिंग अर्थिंग, न्यूट्रल और ये फेस, इस तरह से कनेक्शन किया। फ्यूज में से स्विच में आएगा और स्विच में से सॉकेट में आएगा। सॉकेट में देखिए यहाँ पर एल और यहाँ पर एन लिखा हुआ रहता है। और इसे फिटिंग कर देता हूँ दोस्तों। देखिए इस तरह से इसे फिटिंग कर दिया है। अभी स्विच ऑन करने के बाद भी सप्लाई जो कि एल वाला पॉइंट रहेगा उसमें आना चाहिए, जो कि लोड वाला। देखिए स्विच ऑन कर दिया है, यहाँ पर आ रहा है सप्लाई, अभी ये सीधा हो चुका है दोस्तों। इस तरह से दोनों मिस्टेक का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अभी चलो वॉशिंग मशीन का जो टॉप पिन है उस पर दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इस तरह से स्विच ऑन करने ही के बाद ही सप्लाई आना चाहिए। इस तरह से 210 वोल्ट है अभी। ये जो वॉशिंग मशीन रहो या अपना मिक्सर रहो या कुछ चीज़ रहो, उसमें जो टॉप पिन रहेगा वहाँ पर दिया हुआ रहता है एल और इस साइड में दिया हुआ रहता है एन, वो बराबर वही पे आना चाहिए तो एकदम सीधा रहेगा। देखिए दोस्तों इस तरह से अभी ये मैंने सॉल्व किया है। अभी जो वॉशिंग मशीन का उसका कवर खोल लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मास्टर बोर्ड है, उसका किट है, तो यहाँ पे पूरा चेक करते हुए नीचे आ चुका हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हीटर रहता है, यहाँ पर जो आपको बांध दिख रहा है, यहाँ का ये जो सॉकेट है उसको निकाला है मैंने, जो कि हीटर का यहाँ पर से शॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक करंट आ रहा है, जो कि रनिंग अर्थिंग जहाँ जहाँ पर है वहाँ करंट होते हुए। इस तरह से मास्टर बोर्ड से मैंने सॉकेट निकल के देखा है, तो ये जो वॉशिंग चल रहा था तो इसको हीटर ऑन होते ही करंट लग रहा था। तो इसका जो वॉशिंग मशीन है अभी वारंटी में, तो हीटर इस तरह से दोस्तों ये वाला, जो कि दूसरे दिन जो आने के बाद में हीटर चेंज किया, वॉशिंग मशीन वारंटी गारंटी में है तो चेंज करने के बाद में ये देखिए सप्लाई मैंने फिर से आने के बाद चेक किया इसमें, तो यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। इसी तरह इलेक्ट्रिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मैं हाथ लगा कर चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।